हेलो, तो मोहम्मद दोस्त का स्वागत है आपके अपने चैनल सब्सक्राइब के अंदर। तो रिट नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रही है, गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी अभी हाल ही में बताया है। तो चलिए जान लेते हैं क्यों रिट नोटिफिकेशन आने में अभी देरी हो रही है। राजस्थान में शिक्षक बनना चाह रहे युवा बेसब्री से रिट नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने वजह बताई है कि राजस्थान बोर्ड के रिट नोटिफिकेशन जारी करने में देरी इसलिए हो रही है कि रिट लेवल फर्स्ट में बीए डिग्री धारकों को शामिल करने को लेकर के फिर से विचार किया जा रहा है। इसके लिए एक बार फिर से एनसीटी की गाइडलाइन की समीक्षा की जा रही है। इसके कारण रिट नोटिफिकेशन जारी होने में देरी हो रही है, तो जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। 32,000 वैकेंसियां हो सकती हैं। जी हाँ, रिट के जरिए होने वाली 31,000 शिक्षकों की भर्ती को बढ़ा करके 32,000 किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 282 सरकारी स्कूलों को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 1,000 नए पद स्वीकृत किए हैं। मतलब उन स्कूलों को राज्य के उच्च प्राथमिक स्कूल से राज्य के माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत किया गया है और लेवल फर्स्ट के 407 और लेवल टू के 564 नए पद है वो स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि अतिरिक्त भर्तियां रिट की 31,000 भर्तियों के साथ में निकाली जा सकती है। मतलब टोटल वैकेंसी 32,000 हो सकती हैं। ग्रेजुएशन के वेटेज मार्क्स को कम किया जा सकता है। रिट अध्यापक पात्रता परीक्षा अंक अब अंकों के वेटेज में बड़ी राहत दी गई है। रिट के फाइनल सिलेक्शन में जहां 90% परीक्षा में प्राप्तांकों का आधार रहेगा, तो स्नातक के अंकों का आधार 10% कर दिया गया है। पहले रिट परीक्षा के 70% और स्नातक के 30% अंकों के आधार पर चयन हुआ था। लंबे समय से स्नातक के अंकों में वेटेज को कम करने की मांग की जा रही है। डोडासरा ने कहा है कि पूर्व सरकार के समय में वेटेज सिस्टम 70-30 का था, जिसमें संशोधन करके 90-10 का कर दिया गया है। अब पात्रता अंकों में साथ ही 5 से 20% तक की छूट दी गई है। इससे पहले भी गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि विभिन्न वर्गों को पासिंग मार्क्स में रियायत देने का ऐलान किया है। वर्गों को पात्रता अंकों में छूट दी गई है। आदेश के मुताबिक रिट आरक्षित वर्गों को पात्रता अंकों में 5% से 20% तक रियायत मिलेगी और रिट में विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं सामान्य और अनारक्षित 60 अंक टीएसपी और नॉन टीएसपी की। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को 55 चाहिए और नॉन टीएसपी को 36। टीएसपी अनुसूचित जाति यानी एससी ओबीसी एमबीसी और आर्थिक कमजोर वर्ग को 55 नंबर और समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक है उनको 50 अंक, दिव्यांग को 40 अंक और शहरी जाति को 36 अंक की जरूरत पड़ेगी। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट लाइक करके जरूर बताएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।